بسم اللہ الرحمن الرحیم। सवाल है, कुरान की किस सूरत की तिलावत करने वाला मुसलमान दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा? ऑप्शन ए सूरत अल बकरा, बी सूरत आल इमरान, सी सूरत अल काफ, डी सूरत इखलास। इसका जवाब ऑप्शन सी सूरत अल काहफ की तिलावत करने वाला दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। सवाल है, किस जानवर का गोश्त खाने से इंसान ज़हीन हो जाता है? ऑप्शन ए बटेरे का, बी देसी मुर्गे का, सी मछली का, डी चकोर का। इसका जवाब है ऑप्शन सी मछली का गोश्त खाने से इंसान ज़हीन हो जाता है। सवाल है, जन्नत में इंसान सबसे पहले किस चीज़ का नाश्ता करेंगे? ऑप्शन ए शराब तुरा का, ऑप्शन बी भुना हुआ गोश्त, सी मछली की कलेजी, डी बकरे का गोश्त। इसका जवाब है ऑप्शन सी मछली की कलेजी का। सवाल है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसकी बददुआ से बचने की तलकीन फरमाई? ऑप्शन ए मस्कीन की, बी यतीम की, सी मजलूम की, डी गरीब की। इसका जवाब मजलूम की बददुआ से। सवाल है, किस फल का जूस पीने से जिस्म के अंदरूनी हिस्सों में सफाई हो जाती है? ऑप्शन ए खजूर का, बी तरबूज का, सी अनार का, डी अंगूर का। इसका जवाब है ऑप्शन सी अनार का जूस पीने से जिस्म के अंदरूनी हिस्सों में सफाई हो जाती है। सवाल है, फरिश्तों की इबादत गाह किस आसमान पर है? ऑप्शन ए पहले आसमान पर, ऑप्शन बी तीसरे आसमान पर, ऑप्शन सी पांचवें आसमान पर, ऑप्शन डी सातवें आसमान पर। इसका जवाब है ऑप्शन डी सातवें आसमान पर फरिश्तों की इबादत गाह सवाल है, जन्नत अल बकी में सबसे पहले कौन से सहाबी दफन हुए थे? ऑप्शन ए हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह अन्हो, बी हज़रत हारिस रज़ी अल्लाह अन्हो, सी हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन रज़ी अल्लाह अन्हो, डी हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हो। इसका जवाब हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन रज़ी अल्लाह अन्हो सबसे पहले दफन हुए। सवाल है, दुनिया में सबसे पहला कत्ल किस चीज़ की वजह से हुआ था? ऑप्शन ए मालो दौलत की वजह से, बी लड़ाई झगड़े की वजह से, सी औरत की वजह से, डी विरासत की वजह से। इसका जवाब है ऑप्शन सी औरत की वजह से दुनिया का पहला कत्ल हुआ। सवाल है, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम कितने दिन मछली के पेट में ज़िंदा रहे थे? ऑप्शन ए 20 दिन, बी 30 दिन, सी 40 दिन, डी 50 दिन। इसका जवाब है ऑप्शन सी 40 दिन ज़िंदा रहे यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में। सवाल है, नमाज में सुस्ती करने वाले को क़यामत के दिन किसकी शक्ल में उठाया जाएगा? ऑप्शन ए गधे की, ऑप्शन बी कुत्ते की, ऑप्शन सी सुअर की, ऑप्शन डी गीदड़ की। इसका जवाब है ऑप्शन सी सुअर की शक्ल में उठाया जाएगा। सवाल है, कुरान की वो कौन सी सूरत है जिसे पढ़ने से घर में फाका नहीं होता? ऑप्शन ए सूरत वाक्या, बी सूरत इज़राब, सी सूरत अल कौसर, डी सूरत मुज़म्मिल। इसका जवाब है ऑप्शन ए सूरत वाक्या पढ़ने से घर में कभी भी फाका नहीं होगा।
सवाल है, मस्जिद में गुमशुदा चीज़ का ऐलान करवाना क्या जायज़ है? ऑप्शन ए जी हाँ, बी जी नहीं, सी बिदअत है, डी मकरूह है। इसका जवाब ऑप्शन बी जी नहीं, ऐलान कराना जायज़ नहीं है। सवाल है, शद्दाद ने अपनी जन्नत बनाई थी वो किस मुल्क का बादशाह था? ऑप्शन ए मिस्र का, ऑप्शन बी इराक का, ऑप्शन सी यमन का, ऑप्शन डी ईरान का। इसका जवाब है ऑप्शन सी यमन का बादशाह था शद्दाद, जिसने जन्नत बनाई। सवाल है, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बेटे की कुर्बानी का वाक़या कहाँ पेश आया? ऑप्शन ए मैदान अरफात में, बी बैतुल्ला में, सी मीना में, डी जबल नूर पर। इसका जवाब ऑप्शन सी मीना में वाक़या पेश आया कुर्बानी का। सवाल है, सबसे पहले अल्लाह की राह में माले गनीमत किसने खर्च किया था? ऑप्शन ए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, बी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, सी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, डी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। इसका जवाब है हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले अल्लाह की राह में माले गनीमत खर्च किया। सवाल है, कुरान की वो कौन सी सूरत है जिसकी हर आयत में लफ्ज अल्लाह आता है? ऑप्शन ए सूरत इखलास, बी सूरत अल मुजादला, सी सूरत मुजम्मिल, डी सूरत अन्नास। इसका जवाब ऑप्शन बी सूरत अल मुजादला। सवाल है, क्या आप जानते हैं झूठ बोलने की बदबू से फरिश्ते इंसान से कितनी दूर हो जाते हैं? ऑप्शन ए एक मील, बी दो मील, सी तीन मील, डी पाँच मील। इसका जवाब है ऑप्शन ए एक मील दूर हो जाते हैं झूठ बोलने वाले इंसान से फरिश्ते। सवाल है, इंसान को ज़्यादा पसीना आना किस बीमारी की इलामत है? इसका जवाब है तहकीक के मुताबिक ज़्यादा पसीना आना सेहतमंद होने की इलामत है, लेकिन अगर ज़्यादा पसीना आने के साथ जिस्म के बाएं हिस्से में दर्द शुरू हो जाए तो ये दिल की बीमारी यानी हार्ट अटैक की वजह बन सकता है। तो नाज़रीन, कितना आपके इल्म में इजाफ़ा हुआ? कमेंट्स कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, भरपूर सपोर्ट कीजिए चैनल को। शुक्रिया, जज़ाकल्ला।